बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर समय समय पर कार्यवाहियां भी की जाती हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भीक होकर बाल विवाह कराए जा रहे हैं। राष्ट्र हित में इस सामाजिक बुराई पर काबू पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आरोपी को 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसी कड़ी में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार व्यास ने की। वहीं प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार जलुसूरिया ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 जून तक बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 24 घंटे कार्यरत रहने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा। बाल विवाह मामले में पकड़े गए अपराधियों को 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इस मौके पर ADM BL रमन, ASP श्याम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक बाल विवाह रोको अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा एक बैठक इस बाल विवाह रोको अभियान के तहत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अशोक कुमार व्यास द्वारा की गई। इस बैठक के अंदर जिला प्रशासन की ओर से ADM श्री रमन जी और पुलिस प्रशासन की ओर से श्री श्याम सिंह जी एडिशनल SP शामिल हुए। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। स्काउट्स की ओर से भी इसके अंदर प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसके अंदर एक वृहद कार्य योजना बनाई गई कि किस तरीके से जिले के अंदर, पूरे जिले में जो बाल विवाह होते हैं, उस बाल विवाह को किस प्रकार रोका जाए। इसके अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे एक विशाल रैली अलवर शहर के अंदर की जाएगी। उस रैली के अंदर स्कूली बच्चे, पैरालीगल वॉलेंटियर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन भाग लेंगे, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों से होती जाएगी और लोगों के बीच बाल विवाह रोकने के बारे में जानकारी देगी, ताकि लोगों को पता चले कि बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है। इसके अतिरिक्त उसी दिन 10 बजे IIT कॉलेज के अंदर एक उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा। उस उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर जिले भर के सभी न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, PLVs और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सदस्य सचिव महोदय श्रीमान SK जैन साहब इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या क्या हैं और बाल विवाह को क्यों रोकना जरूरी है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे ये भी रहेगा कि जो पंडित और मौलवी हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये लोग बाग भी जो कोई बाल विवाह होता तो उसकी रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा पाए। हमने आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की जो मीटिंग के अंदर, इसमें माननीय सेशन जी साहब ने ये निर्देश जारी किए कि स्कूलों के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर सुबह प्रार्थना के समय बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए जाएँ, जिससे बच्चों को पता चले कि बाल विवाह कराने से क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, जिससे बच्चे यदि कोई बाल विवाह हो रहा हो तो उसके बारे में सूचना स्कूलों तक दें और स्कूल के माध्यम से वो सूचना जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मालूम चल सके। वहीं जिला जज व्यास ने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों को 2 वर्ष तक का कारावास और 1,00,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंडित करने का प्रावधान है। वहीं 1 अप्रैल को बाल विवाह रोकथाम अभियान को प्रभावी बनाने हेतु प्रातः 8 बजे ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर से विशाल विधिक रैली निकाली जाएगी।